तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन करी, जिसके लिए हमने आधा किलो चिकन लिया है, 5-6 प्याज लिया है, 2 टमाटर लिया है मीडियम साइज, 4-5 लहसुन, थोड़ी सी अदरक और 2-3 हरी मिर्च। इसको बारीक काट लेंगे हम लोग। और ये जो चिकन है इसको फ्राई करना है, जिस फ्राई करने से पहले इसमें हम लोग कुछ मिलाएंगे, तो क्या क्या मिलाना है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो इसमें सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी नींबू डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर लगभग आधा चम्मच, और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। और उसके बाद हल्की सी दही थोड़ी सी, उसके बाद थोड़ी सी इसमें दही डाल दीजिएगा। दही डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दीजिएगा। फिर इसको हल्के से तेल में फ्राई करना है। दही डालने के बाद इसमें थोड़ा सा सरसों तेल डाल दें, और उसके बाद सरसों तेल के बाद थोड़ा सा पेस्ट, जिंजर गार्लिक का पेस्ट अगर आपके पास हो तो थोड़ा सा डाल दें, वरना घर पे ही पीस के इसमें थोड़ा सा डाल दें। अब इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। जो हमने प्याज लिया था उसको हमने बारीक काट लिया है, लहसुन आदि को भी काट लिया है, थोड़ा सा हमने जीरा लिया है, 2-3 तेज पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, 2 इलायची और 1-2 हरी मिर्च। अब ये टमाटर है, इसको भी हम लोग बारीक काट लेंगे। हम लोगों ने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में तेल लिया है, इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। फिर उसके बाद सबसे पहले जीरा, फिर उसके बाद हरी मिर्च और दालचीनी, तेज पत्ता इसमें डाल देंगे, और लहसुन अदरक इसको भी इसी में डाल देंगे। से भी थोड़ा थोड़ा चला, फिर इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, लगभग 1 मिनट फ्राई करेंगे। फिर इसमें हम लोग जो प्याज हमने काटा है इस प्याज को इसमें मिला देंगे। ये हल्की सी हो गई है लाल लाल, इसमें हम लोग जो प्याज हमने काटा है वो इसमें डाल देंगे, और प्याज को जब तक ब्राउनिश कलर का ना हो जाए तब तक हमें प्याज को इसमें फ्राई करते रहना है, पकाना है। और तब तक हम लोग ये जो हम लोगों ने इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ा था, इसको पहले हम लोग दूसरी कढ़ाई में फ्राई कर लेते हैं, और उस प्याज को हम लोग इसी तरह से रहने देंगे जब तक ये रेडिश ना हो जाए। तो चलिए सबसे पहले अब इसको फ्राई करते हैं। चिकन को फ्राई करने के लिए हम लोगों ने एक कढ़ाई लिया है, इसमें हल्की सी तेल डालेंगे, इसमें हमने तेल डाल दिया है। अब जो चिकन हम लोगों ने मैरिनेट किया था, अब चिकन को इसमें डाल देंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे, लगभग 10 से 15 मिनट तक उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो अब ये तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम लोग जो चिकन हमने मैरिनेट करा था अब इसको इसमें डाल देंगे। धीरे धीरे आप 2-2 पीस करके, 3-3 पीस करके इसमें धीरे धीरे डाल दें, इस तरह से। और इसको आराम से धीरे धीरे मिलाएं, इसको अच्छे से मिला लेंगे, और फिर इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे, फिर उसके बाद मिलाते रहेंगे। फ्लेम हाई रखना है ताकि ये जल्दी से ये पक जाए। दूसरी कढ़ाई में जो हम लोगों ने प्याज को गला रखा था, गलाने के लिए दिया था, उसमें अब हमें मसाले डालने हैं। सबसे पहले नमक, स्वाद अनुसार नमक डालना है इसमें, फिर उसके बाद हल्दी, 1 चम्मच हल्दी हमने डाला है, 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है, काली मिर्च पाउडर भी डाल दिया 1 चम्मच, 1 चम्मच, फिर इसके बाद जीरा पाउडर, बस। फिर इसको अच्छे से मिला लें, और मसाले को बहुत लगभग 10 से 15 मिनट तक इसको फ्राई करें, ताकि मसाले का टेस्ट जो है इसमें अच्छे से उभर के आए। मसाले 2 मिनट 5 मिनट जब फ्राई हो जाए, जब पक जाए, तो इसमें जो हम लोगों ने टमाटर डाला था, टमाटर को काटा था, उसको इसमें डाल देंगे। और अब से लगभग 15 मिनट तक हमको इस मसाले को अच्छे से पकाना है।
लगभग 15 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए। इसमें 15 मिनट के बाद इसको थोड़ा सा चला लेंगे और चिकन मसाला हल्का सा इसमें डाल देंगे। इसमें हल्का सा चिकन मसाला डाल देंगे। इधर जो दूसरे कढ़ाई में हम लोगों ने चिकन को फ्राई करने के लिए डाला था, लगभग 10 से 15 मिनट हो गए और देख लीजिए कितने अच्छे से चिकन पक चुका है। चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसको हम लोग प्लेट में निकाल देंगे और वो प्याज वाली कढ़ाई में इसको डाल देंगे। ये चिकन जो हमने फ्राई करा है इसको अब हम इस कढ़ाई में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। और जो भी थोड़ी बहुत तेल लगी है इस कढ़ाई में उसको भी डाल दें, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है इस तेल से। इसको अच्छे से मिला लें। हाँ, ये अच्छे से मिल चुका है। अब इसमें थोड़ा सा देगी मिर्च पाउडर कलर के लिए थोड़ा सा डाल देंगे। देगी मिर्च पाउडर डाल के हम लोगों ने इसको अच्छे से मिला लिया है और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला हम लोग डाल देंगे और गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से फिर से मिला लेंगे और लगभग 5 से 10 मिनट के लिए हम लोग इसको ढक के रख देंगे। एकदम लो फ्लेम पे ढकना है, लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और लगभग हमारा चिकन तैयार है। बस इसमें थोड़ा सा एक चीज़ का कमी है जो कि हमें अभी डालना है और वो है ये कस्तूरी मेथी। इसको हल्का सा ऊपर से डाल दीजिए और फिर गैस को ऑफ कर दीजिए। तो ये रहा हमारा चिकन करी तैयार। बहुत ही टेस्टी है। इसको रोटी के साथ या चावल के साथ खाएं, मज़ा आ जाएगा, आपका दिन बन जाएगा। इसको मैं प्लेट में सर्व करके भी दिखाता हूँ आपको। तो ये पूरी तरह से तैयार है हमारा चिकन। इसको हम लोगों ने अच्छे से प्लेटिंग कर रखा है। ये चिकन है, इसको हम लोग खीरा के साथ, प्याज और ये रायता के साथ है, इसको हम लोग अच्छे से खाएंगे, मज़े करेंगे। और ये रोटी के साथ हम लोग खा रहे हैं। आप चाहो तो नान, रोटी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हो। तो चलिए इसको हम इंजॉय करते हैं। आप भी अपने घर पे बनाइए और अच्छे से इंजॉय कीजिए। आई एम डैम श्योर कि आपका अच्छा, आपका भी बहुत टेस्टी बनेगा चिकन, बिल्कुल हमारी तरह। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से इस चिकन को बना के खा पाए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, मिलते हैं हम अगली वीडियोज़ में कुछ नए रेसिपी के साथ।